हेलो एवरीवन, वेलकम टू DIY ब्यूटी मिरेकल्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल अपने चमत्कारी गुणों की वजह से बरसों से बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता रहा है। कलौंजी का तेल आप भी अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसे स्टोर करके लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तेल बनाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल ज़रूर बजा दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कलौंजी ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए कोकोनट ऑयल 100 ml, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 60 ml और कैस्टर ऑयल 40 ml। ये है हमारे ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट कलौंजी। यहाँ हम 2 tablespoons कलौंजी को पीस कर यूज़ करेंगे। कलौंजी में 100 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को नरिश करते हैं। साथ ही इसमें निजोलॉन और थाइमोक्यूनॉन पाया जाता है जो हेयर रीग्रोथ करते हैं। इसके बाद हमें 8 से 10 गुड़हल के फूल चाहिए। यहाँ मैंने फूलों को धोकर सुखा लिया है। आप चाहें तो फ्रेश फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और हम ऐड करेंगे 25 से 30 करी लीव्स। इन्हें भी धोकर साफ़ कर लें और सुखा लें। और हमें चाहिए कांच का कोई कंटेनर जिसमें हम अपना ऑयल स्टोर करेंगे। कलौंजी ऑयल बनाने के लिए एक पैन में कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल डाल लीजिए और अपने स्टोव की सेटिंग बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पर रखें और तेल को हल्का गर्म करें। अब इस हल्के गर्म तेल में हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ मैंने सबसे पहले कलौंजी पाउडर डाला है, फिर गुड़हल के फूल और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। ध्यान रखिए कि ऑयल हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं। अगर आपका ऑयल हल्का गर्म हो चुका है तो आप अपने स्टोव को बंद कर दीजिए और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला लीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाने के बाद आप ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छा गर्म कर लें और ऑयल गर्म होते ही फ्लेम को बंद कर दें। हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसके बाद आप फ्लेम बंद कर सकते हैं। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि करी लीव्स बिल्कुल क्रिस्प हो गई हैं, लेकिन कोई भी इंग्रेडिएंट जला नहीं है। अब आप इस ऑयल को इसी तरह से 24 घंटों के लिए रहने दीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स का एक्सट्रैक्ट ऑयल में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। एक दिन के बाद आप इस ऑयल को छानकर किसी कांच के कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। इसे आप वीक में 2 से 3 बार अपनी उंगलियों की मदद से मसाज करते हुए लगाएं और रात भर लगा रहने दें। अगले दिन सुबह आप अपने रेगुलर शैम्पू से अपने बाल धो सकते हैं। ये हेयर ऑयल प्रीमेच्योर ग्रेइंग को ठीक करता है, हेयर लॉस को रोकता है, हेयर रीग्रोथ करता है, डैंड्रफ को ठीक करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और बालों को कंडीशन भी करता है। तो आप इस हेयर ऑयल को ज़रूर यूज़ करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।